माही ने छुड़ाए दिल्ली के छक्के। मजा आया। सब कुछ डीसी के प्लान के हिसाब से चल रहा था। अच्छा, स्पिन से डोमिनेट भी कर रहे थे सीएसके को, लेकिन एक गलती कर, राइडो को आउट नहीं करना था। राइडू के आउट होते ही एक ऐसा शख्स बैटिंग करने आया था जिसने एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, और वो था एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, हमारा माही भाई। बंदे ने जहां एवरेज स्कोर होने वाला था ना, उसको एक कॉम्पिटिटिव टोटल में ले जाके खड़ा कर दिया। 9 गेंद में 20 रन बनाए, 2 छक्के और 1 चौके के साथ में, और सारे चेन्नई के क्राउड को एंटरटेन किया। चेन्नई के टॉप ऑर्डर के रेयर फेलियर के बावजूद भी जडेजा, शिवम दुबे और हमारे माही भाई की इनिंग्स की बदौलत चेन्नई एक अच्छा कॉम्पिटिटिव स्कोर बना पाई। अब यार ये तो वही बात हो गई ना, देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आज चेन्नई ने हमें दिखा भी दिया। ये बात तो सही है। अजिंक्य रहाणे स्टेप आउट करके एक जड़ के छक्का रखने के मूड में आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं यार ये तो कैच आउट हो गया। 3-4 रिप्ले देखने के बाद में पता लगता है कि ओ भाई ये तो कैच ऑफ द मैच नहीं, कैच ऑफ द सीजन भी हो सकता है यार। असंभव, असंभव, असंभव। और इस कैच से ललित यादव ने ये साबित कर दिया कि ये बंदा फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग तीनों से अच्छा कंट्रीब्यूशन देना जानता है। और यार डीसी वालों से तो मेरी एक ही एडवाइस रहेगी, यार इस मनीष पांडे को बाहर बिठाओ और इस बंदे को रेगुलर खिलाओ। एक बात तो तय, ये ललित लोडू ललित, लोडू ललित, लोडू ललित नहीं है। देखो वैसे तो आकाश सिंह ने सीएसके के लिए दीपक चार की एब्सेंस में कुछ खराब काम किया नहीं था, लेकिन दीपक चार फिट होके वापस आके जिस हिसाब से विकेट निकाल रहे ना, दिखा दिया क्यों सीएसके उनके ऊपर इतना भरोसा करती है, और ये सीएसके का साथ और धोनी का हाथ उनके ऊपर क्यों है आज पता लग गया। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। 168 के टारगेट को चेज करने उतरी डीसी की टीम, दीपक चाहर ने डेविड वॉर्नर और फिल साल्ट को जल्दी निपटा दिया, और उसके बाद में मनीष पांडे ने मिचेल मार्स का विकेट तो तोहफे में दे दिया सीएसके वालों को। सही खेल गया बैंच। चलो मान लिया मिच मार्स का विकेट गलती से तोहफे में मिल भी गया, लेकिन उसके बाद तुम खुद तो कम से कम ढंग से खेल लेते यार, विकेट के साथ साथ खुद की स्ट्राइक रेट भी क्या सीएसके वालों को गिफ्ट में दे दी थी क्या? अबे 93 की स्ट्राइक रेट से कौन खेलता है, 29 बॉल में 27 बना के गए हो आप, और दूसरी एंड से जो बंदा 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए जाना जाता है उसको भी तुम 95 की स्ट्राइक रेट पे लेके आ गए। अबे यार ऐसा लग रहा है ये रयान पराग अपनी बीमारी सारी फ्रेंचाइजीज के प्लेयर्स में बांट रहा है। अब जब यार आपके दो मेन प्लेयर 66 बॉल में 62 रन बनाएंगे 100 से कम की स्ट्राइक रेट से, तो क्या तुम मैच जीतोगे? नहीं जीत पाओगे ना। अबे यार इस हिसाब से खेलोगे ना तो ये दिल्ली वालों के दिल है ना रोज टूटेंगे और आंखों से आंसू रोज निकलेंगे। चेज करते टाइम पे मैच को चलाना होता है, घसीटना नहीं, तो अगली बार जब मैच खेलो ना तो ढंग से तैयारी करके आना। अगली बार प्लान परफेक्ट होना चाहिए, मेहनत करके आओ, थोड़ा रिवीजन करके आओ।